टाइगर थ्री मूवी देखी आपने? यस सर, अभी अभी देखा यार, लगभग 30 मिनट पहले। बहुत ही शानदार सर, एक नंबर है। मतलब क्या खास लगा मूवी में? मेरे को इस फिल्म की मेन कहानी अच्छी लगी और इस फिल्म के डायलॉग्स अच्छे लगे, और साथ ही साथ एक्शन भी बहुत ही कमाल का। ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई लेवल का एक्शन है ये वो, लेकिन जो भी एक्शन है बहुत ही कमाल का है। स्पाई यूनिवर्स के मतलब ये कह सकते हैं कि पठान के बाद ये एक फिल्म है जो कि उसी लेवल की है। और समझ में आ रहा है कि इसमें स्पाई यूनिवर्स का मुद्दा मतलब स्पाई यूनिवर्स का लोगो स्टार्टिंग से क्यों बताया गया, क्योंकि इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वो आपको इंट्रोड्यूस कराएगा स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म से, या तो फिर वो वॉर 2 हो सकते हैं या फिर स्पाई यूनिवर्स की कोई अदर फिल्म हो सकती है, लेकिन इंट्रोड्यूस करा देगा। और दूसरा बात, इस फिल्म में G20 का मुद्दा छेड़ा गया, जो मतलब अभी भी नरेंद्र मोदी जी ने इसका आरंभ किया, तो बहुत ही कमाल है। शाहरुख खान का कैमियो कैसा लगा? शाहरुख खान का कैमियो बहुत शानदार है, लाजवाब है। उनका भाई एंट्री ही मतलब बहुत ही लाजवाब थी। आते ही पहले वे एक्शन करते हैं, सीधे फोड़ना स्टार्ट करते हैं दुश्मनों को। और मेरा ऐसा मानना है कि टाइगर थ्री जो भी रिकॉर्ड्स बनाएगी तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब शाहरुख खान का भी बहुत बड़ा हाथ है। मतलब उनका 15 मिनट का कैमियो ही पूरी फिल्म के लिए। इमरान हाशमी का रोल कैसा लगा? इमरान हाशमी का रोल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें इंटेलिजेंट है, मतलब इंटेलिजेंट के साथ साथ साइको भी है, पागलपन है उनके अंदर, देशभक्ति है लेकिन पाकिस्तान को लेकर। और कैटरीना का रोल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरे को इमोशनली कनेक्ट करती है। बिल्कुल इमोशनली कनेक्ट करती है। एक्चुअल में सीरियस मूवी है टोटल, लेकिन जब शाहरुख खान आते हैं तब वहाँ पास थोड़ा सा आपको इन्जॉयमेंट मतलब सॉरी इन्जॉयमेंट नहीं मतलब खुशी मिलती है, हंसी आती है, क्योंकि जब उनके भी जो बातें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हंसाती हैं। इस मूवी को 5 में से कितने स्टार देंगे? मैं इसको दूंगा सर 5 में से पूरे 5 स्टार। ओके सर, थैंक यू।